तेरा हटने ना दूं मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर। यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज के एपिसोड में सबसे पहले तो हम डगन बोस का ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो होटल चल रहा था उसको फोड़ने वाले हैं। बिग माफिया का भाई बता रहा था कि इसे हम 3 बजे फोड़ देंगे, बट अभी तो यार 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई माफिया और अंडर माफिया खड़े हुए हैं। तो माफिया ने मुझे बताया कि यार अभी उसको बस ब्लास्ट करने वाले, तो देखते जा अभी सामने ही देख। और वहाँ पे मुझे कोने में एकदम से यार मुझे माफिया ने बताया था कि यार वो देख प्लेन आ रहा है, और मैंने देखा भाई ये प्लेन इतनी गलत डायरेक्शन में क्यों आ रहा है। मैंने देखा ओ भाई साहब ये प्लेन कितनी तेजी से आ रहा है भाई, फुल नाइट्रो मार के और ये बिल्डिंग में टकरा गया भाई साहब। उसी टाइम बिल्डिंग में भाई आग वाग लग गई पूरी भाई, बहुत ज़्यादा आग वाग फैल गई और उसके अंदर जितने भी पानी के वो थे वो भी ऑन हो गए। बट मुझे नहीं लगता बुझेगी क्योंकि उस प्लेन के अंदर भाई बहुत सारे बॉम्ब थे, बहुत सारे, कि यार ये बिल्डिंग जब तक तबाह नहीं हो जाती अच्छे तरीके से यार, जब तक ये बचते रहेंगे भाई। कितने ज़्यादा बम डाले थे कार्गो प्लेन के अंदर क्या बताऊँ। ओ भाई साहब क्या गिरा मैं यार, मैं गलती से गिर गया ऊपर से, शिट यार। चल कोई बात नहीं, अपनी यार फटाफट से यार ये वाली कार लेके चलते हैं भाई, वैसे भी हम पुलिस से कोई कुछ कहेगा नहीं। और उसके नीचे देख के आते कि कैसा हाल वाल हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार फटाफट वहाँ पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि क्या सीन है यार। ओ भाई साहब यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि वहाँ का ट्रैफिक जो है आधे ज़्यादा वो इस वाली रोड पे आ गया। ओ भाई साहब कितना ट्रैफिक है यार। अब यार फटाफट से मुझे वो बड़ी बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाना होगा, वहाँ पे देखना होगा भाई क्या सीन चल रहा है यार। ओ भाई साहब सामने भाई हर जगह आग ही आग लग गई है। ओ भाई साहब ऊपर से पत्थर गिरा, अरे भाई भाई अगर मेरी गाड़ी पे गिर जाता तो भाई नाश हो जाता भाई, सब खराब हो जाता सब। ओ भाई हर जगह भाई यहाँ पे सब वो पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी भाई सब ऊपर से पत्थर वत्थर अभी भी गिर रहे हैं। तो यार फटाफट से मैं एम्बुलेंस को बुला देता हूँ। और गाइस यहाँ से एम्बुलेंस वाले भी भाई पीछे से भाग गए हैं, गाड़ी में छुप गए यार, अभी तक तो निकले नहीं। सो यार मैं पुलिस वालों, मेरा तो फर्ज बनता था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, बट यार मैं भी भाग जाता हूँ। अगर ये गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा गाड़ी कुचल जाएगी या फिर बिल्डिंग भी गिर सकती है यार, तो मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा। गाइस मुझे तो लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये गिरने वाली है बस कुछ ही देर में। तो यार सबसे पहले अपने मेंशन में चलते हैं। नहीं नहीं एक काम करता हूँ, हाँ इस गाड़ी को ना यार ब्लास्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है मैं सारे बुरे काम यार बस बंद करना चाहता हूँ यार, और अब मैं अच्छा ही काम करूँगा। तो यार सबसे पहले तो यार ये पुलिस की कार वार जो है ना, वैसे भी हमारे 2 गुंडे मर चुके हैं आपको पता ही है, तो यार अब इस गाड़ी को भी भाई जला देते हैं, फोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस गाड़ी को भी पानी में डुबो देता हूँ और इस पर स्टिकी बम लगा के भाई फोड़ देता हूँ, फुल मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको ना इसके अंदर घुसा दे तो बस इतना काफ़ी है, और इसके पीछे भाई बहुत सारे स्टिकी बम लगा देता हूँ और इस गाड़ी को भाई फोड़ देता हूँ भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई ये ले इस साइड भी लगा देता हूँ, उस साइड भी लगा देता हूँ, गाड़ी के अंदर भी लगा देता हूँ। ओ भाई साहब हर जगह मैंने भाई स्टिकी बम लगा दिए। ओ भाई साहब पानी के वो अंदर ले जाते, ओ भाई 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 अरे मैं ना डूब जाओ, अरे सांस नहीं आ रहा। ओ भाई साहब मुझे लगा गया इसमें डूब गया और यहीं पर गेम खत्म। ओ भाई साहब इसे फोड़ दिया, 3-2-1 बूम। ओ भाई 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 ओ भाई साहब गाड़ी तक बाहर निकल के आ गए भाई, चीथड़े उड़ गए पूरे उसके भाई, पानी में टुकड़े टुकड़े हो गए भाई साहब, मज़ा आ गया। सो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं यार, यहाँ पे कोई गाड़ी तो, शिट यार गाड़ी तो, एक मिनट मुझे एक गाड़ी दिख तो रही है गाइस। तो इस गाड़ी भाई अगर ये गाड़ी नहीं होती ना मैं पैदल भाई सच में मर जाता। यहाँ पे मेरी एक टॉरस खड़ी हुई है, तो यार फटाफट से यार अपनी टॉरस के पास चलते हैं और टॉरस से चलते हैं भाई अपने मैंशन पे। और पहले हम फटाफट चलते, ओ भाई साहब क्या मैंने ग्रिल को तोड़ा भाई, नहीं तो यार और कोई रास्ता था नहीं निकलने का यार, कैसे निकलते यार। तो यहाँ पे देख ले तो यार मेरी टॉरस का खड़ी है, वो खड़ी सामने मुझे रेड, हाँ रेड कलर, हाँ ये रहा मेरा टॉरस। सो यार फटाफट से यार अपनी टॉरस में चलते भाई, देख सकते हैं भाई अपनी टॉरस जो है सबसे सुपर फास्टेस्ट कार है भाई, यहाँ पे हमेशा एक टॉरस तो भाई खड़ी ही रहती है, मुझे पता था यार। सो यार फटाफट चलते हैं गाइस, लास्ट वीडियो में हमने यार डगन बोस का शोरूम उड़ाया था, उसका मैंशन उड़ाया था, उसके मतलब उसके भाई का, उसका मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया, और एल रूबियो ने किडनैप कर लिया था डगन बोस को, और एल रूबियो के पास ही अभी भी डगन बोस। तो देखते हैं वो तो बाद में देखेंगे अभी क्या कर रहे। तो सबसे पहले तो यार हमें अपने मेंशन जाना होगा भाई किसी भी हालत में, और मेंशन से यार हमें सबसे पहले तो यार कपड़े वपड़े चेंज करने होंगे यार, क्योंकि यार ये पुलिस वाले कपड़े भी मैं उतार देता हूँ यार, अब जब पुलिस की गाड़ी नहीं रही तो मैं पुलिस वाला भी नहीं रहा। सो हाँ यहीं पे उतर के फटाफट से यार मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अब यार ये फिल आ गया सुकड़ा सा यार, ये पता नहीं बावला पता नहीं हमेशा आ जाता है, अब की बार मत आ जाइयो बता रहा, बहुत मारूंगा मैं, पता नहीं गाइस ये मेरे घर में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, देख सकते हो। मैंने लेस्टर से कॉल करके बोला था कि मेरे घर के बाहर आर्मी वार्मी खड़े कर दे, फुल सिक्योरिटी बुला दी, उसने बुलाया नहीं यार, तो कोई बात नहीं यार उसे मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब यार फटाफट से यार मैं अपनी ड्रेस वगैरह सब चेंज कर लेता हूँ A to Z। तो देख सकते भाई फाइनली हाँ नहा ले तो सबसे पहले तो यार
तो मैं बनियान और कच्छे में आ गया हूँ। और अब एक काम करता हूँ, पहले तो बाथरूम जाता हूँ यार। ये रहा, अरे ये तो यार वॉशिंग एरिया नहीं, नहीं वॉशिंग एरिया नहीं, नीचे बहुत बड़ा बाथरूम है गाइस, उसमें नहा लेते हैं यार। सो देखते हैं भाई। हाँ इस साइड तो दो बाथरूम, हाँ दो तीन है मेरे घर में, हाँ तीन है शायद, हाँ तीन है यार, मुझे मेरा घर मुझे ही नहीं पता यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहा लेते हूँ। नहीं, अबे यार गाइस आप सबको पता तो है मेरे पास पूल है, तब भी मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ यार। तो यार फटाफट पूल में चलते हैं और पूल में नहाऊंगा भाई मैं सबसे पहले तो भाई, गोली से भी तेज। तो ये रहा अपना पूल। अरे भाई 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 साहब कितना मस्त है यार, ये गहरा नहीं है, गहरा वो वाला है ज्यादा यार। हाँ इसमें नहा लेते। ओ भाई साहब मजा आ गया भाई। हाँ ये तो चुप रहा है भाई, ये तो बहुत गंदा पानी है गाइस। यहाँ पे फ्रैंकलिन के कुत्ते ने भाई सूसू वूसू कर दी थी भाई, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। काम करता हूँ उसी पानी में मुंह हाथ धो ले। तो मेरे पास तो भाई तीन तीन पूल है, पूल की भी कमी नहीं है, ये है ना बिल्कुल क्लीन। में अच्छे से मुंह वो धो लिया हूँ। अब यार फटाफट से अपने कपड़े पहन के चलते हैं यार अपना मूवी प्रोड्यूसर के पास, जो कि हमें वो फिल्म वगैरह देने वाला है गाइस। आज तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार फटाफट से मैं अपने अपने नॉर्मल से कपड़े पहन लेता हूँ यार। कपड़े मुझे, हाँ ये वाले सही है अपने गाइस, ये अपने सबसे बेस्ट कपड़े हैं यार, और इससे अच्छे गाइस मुझे मिले नहीं। बट अब इसके बाद यार हम कटिंग वटिंग कराने चलते हैं और कुछ सूट वूट पहन लेते हैं, क्योंकि भाई हम अच्छे बंदे से भाई मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे मिलने जा रहे। तो यार कपड़े भी बिल्कुल मस्त होने चाहिए और स्टाइल भाई एकदम मतलब देसी स्टाइल होना चाहिए। सो यार आज हम कोई भी सुपर कार नहीं लेंगे, आज हम जाएंगे अपने जी वैगन में। तो देख सकते हैं भाई इसकी स्पीड भी बहुत प्यारी आ रही है यार। ठुक गया भाई सब, देख सकते हैं अभी भी बिल्डिंग में भाई आग लगी हुई है यार, अभी तक नहीं बुझी, ना ही फायर ब्रिगेड वाले कुछ भी है। तो ये बिल्डिंग जब तक खत्म नहीं हो जा रही है जब तक ये आग लगी रहेगी, मुझे पता है यार। सो फाइन, तो सबसे पहले गाइस हम अपना यार बाल वाल कटवा रहे थे, यहीं पे अपना यार सबसे बड़ा सैलून खुला है भाई लॉस सैंटोस में, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यार। तो यहाँ पे एक दोस्त है, उसका नाम है गंजा भाई, इसके बाल है तो, पर इसने अपना नाम गंजा पता नहीं क्यों रखा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया यार। तो मैंने इस गंजे को बोला यार कोई मुझे बढ़िया से यार स्टाइल मार दे, देसी वेसी स्टाइल। तो कहता सर मैंने मार दिया आपका, इसने तो यार मुझे ही गंजा कर दिया है, मैं इसे गंजा गंजा बोल रहा था। कह रहा है सर ये आपका लेटेस्ट स्टाइल चल रहा है और ये बहुत मस्त है भाई गंजा स्टाइल, और बियर्ड भी भाई इसने बहुत मस्त बना दिया यार गाइस, देख सकते हो भाई साहब यार बिल्कुल भाई गंजे को गंजा ही बना दिया है यार, क्या ही बोलूँ गाइस। चलो कोई बात नहीं, गंजा वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, मतलब भाई बिल्कुल ही मैं देसी लग रहा हूँ और मूवी प्रोड्यूसर जैसे लग रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब फटाफट से यार कपड़े चेंज करने चलते हैं फटाफट यार, सबसे एक्सपेंसिव भाई यही जगह है यार। तो देख सकते हैं भाई इनको मैं बोल देता हूँ कि यार कोई बड़े बड़े कपड़े वपड़े दिखा दो। सो इन्होंने मुझे भाई कोई बढ़िया सा सूट दिखाया भाई, देख सकते हैं भाई कितना मस्त सूट है और इस पर जज भी रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया यार। सो यार फटाफट चलते यार पहले वाले उसमें यार, वो मतलब कटिंग में वो वाला स्टाइल भी अच्छा था, बट यार ये भाई थोड़ा देसी सा लग रहा है, मतलब मज़ेदार लग रहा है ना गाइस। सो अब फटाफट चलते हैं भाई अपने प्रोड्यूसर सर से मिलने। भाई वैसे वो मेरा बचपन का दोस्त है, पता नहीं वो मुझे जानता होगा कि नहीं। तो यहाँ पे यार फटाफट से हम अपनी फिल्म सिटी में आ चुके हैं। तो अरे यार लेफ्ट वाला खोल दे, जब राइट वाला खोलना होता तो लेफ्ट वाला खोल देता है, लेफ्ट वाला खोलना तो राइट वाला यार। तो पता नहीं आके गाड़ी यार क्या क्या करते रहते हैं नूबड़े का इक्के। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई मूवी की शूटिंग वूटिंग चल रही है, आइसक्रीम वगैरह बिक रही है। ओ भाई साहब यहाँ पे गाड़ी घुसाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं घुसा रहा हूँ। ओ भाई साहब यहाँ तो भाई फुल शूटिंग वूटिंग चल रही है, ओ भाई पिक्चर विक्चर बन रही है। एक काम करता हूँ मैं गाड़ी घुसा ही नहीं रहा, फुल ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगी हुई है यार, छोड़ एक काम करता हूँ यू टर्न घुमा के मैं यहाँ से सीधे मैं उसके ऑफिस में चलता हूँ यार अपने प्रोड्यूसर के पास। तो देख सकते हैं भाई ये आ गया अपने प्रोड्यूसर का घर ऑफिस यार मतलब। तो उस गाड़ी को मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ और फटाफट से चलते हैं अपने भाई ऑफिस में अपने दोस्त से मिलने भाई, वो तो मुझे पहचानेगा ही भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी मुझे मना कर रही है कि आप कौन हो, मैंने बोला अभी बता दूँ तुझे मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, ये ले तू मुझे मारेगा, ये ले। तो भाई उसके अंडरग्राउंड से मैं निकल के उस वाली बिल्डिंग में चले जाऊँगा, क्योंकि अभी वो जो गेट है अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका भाई प्रोड्यूसर के साथ, कहता है हे माइकल व्हाट्सअप। तो भाई इससे भी दोस्ती वोस्ती हो गई है भाई और ये मुझे बता रहा था। और तो मैंने इससे बोला कि यार मुझे फिल्म में काम करना है, तो उसने बोला अभी भी जो दो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो यहाँ से चले गए थे, तो तुम्हें उनको पकड़ के लाना है और वापस उनको यार कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है। तो माइकल ने बोला था कि ठीक है हाँ ओके। तो अच्छा, तो देख रहे भाई दोस्त इनका स्टाइल ही कुछ अलग होता है भाई, मिलने का देख सकते हैं। अच्छा ओके देख सकते हैं यार। ओ भाई साहब सर ने मुझे फिर पूरी प्लानिंग बताई कि ये सीन है, यहाँ से तुम्हें रोको को लेके आना है वगैरह वगैरह। तो माइकल ने बताया कि मैं कैसे लेके आऊँगा, तो उसने मुझे बताया कि यार उसके वहाँ गुंडे गुंडे हो गए, तो यार मैं तो नहीं जाऊँगा, तो माइकल तुझे ही जाना होगा और उनको लेके आना होगा और कॉन्ट्रैक्ट को वापस दिलवाना होगा। सो फटाफट चलते गए अपना जी वैगन कहाँ गई अबे, हाँ अच्छा वो रही सामने खड़ी करी थी जी वैगन। और यहाँ से हम फटाफट चलते उस लोकेशन पे जो मुझे सोलमोन ने दी है,
अब देख सकते हैं भाई साहब, अब फटाफट से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ भी सीन हो सकता है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। अबे यार इस बार तो गाइस इसने गेट खोला ही नहीं, मैं तोड़ के निकल जाता हूँ। नूबड़ा है भाई ये, दो नंबर का। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम फटाफट निकल जाते हैं अपने भाई उसके लिए। यहीं पे कहीं यार सैलमोन का कॉल आया। हाँ सैलमोन, अच्छा सैलमोन ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे हेलीकॉप्टर आएगा, उससे पहले तुम्हें बंदों को मार के, उस रोकोन को मार मार के उसका हेलीकॉप्टर को चुराना है, बिल्कुल साइलेंटली। रोको को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा सब। मुझे सैलमोन ने प्लानिंग बता दिया और सैलमोन कह रहे हैं कि अभी यार हेलीकॉप्टर आता ही होगा, तो जब तक ठीक है तुम दोनों को बना के ले आइयो कुछ भी करके। तो मैंने बोला ठीक है, अब टेंशन ना लो यार सैलमोन भाई। तो यार फटाफट चलते हैं गाइस। अपना देख सकते हो ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। ओ भाई साहब फाइनली भाई ये भी आ चुके हैं भाई साहब, रोको को लेने आ चुके हैं। तो यार फटाफट से मुझे निकलना होगा, कभी रोको आ जाए और फटाफट से अगर हेलीकॉप्टर उड़ गया तो हो जाएगी दिक्कत यार। अब मुझे जाना पड़ेगा यार बिल्कुल विदाउट, मतलब यार अलर्टिंग करें, मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो यार चुपचाप से गेट पे कूद के यहाँ से मैं काम करता हूँ, अपनी सप्रेस वाली पिस्टल निकाल लेता हूँ। हाँ सप्रेस या चाकू निकाल लेता हूँ, नहीं नहीं यार सप्रेस वाली पिस्टल निकाल लेता हूँ। सो इनके हेड पर चुपचाप दे देता हूँ, पता भी नहीं लगेगा ना ये कॉल कर पाया। सो फाइनली भाई इन दोनों को तो मैं बड़ी मुश्किल से मार चुका, और देख ले तो अभी सही से मरे हैं नहीं। कभी ये कॉल वॉल कर दे भाई दिक्कत हो जाएगा। ये ले भाई दोनों मर चुके सक्सेसफुली भाई, क्योंकि मैंने इनके हेड पे मारा था भाई साहब। मुझे लगा भाई कॉल वॉल कर दिया और सीन हो गया, यहाँ पे फिर अलार्म बज जाता, बल्कि मैं पकड़ा जाता और सीन हो जाता भाई पूरा मूवी का। सो मैं यहाँ पे वो सीट सामने बंदा ही थी, धीरे जाता हूँ चुपचाप इसके हेड दे देता हूँ। ओ भाई साहब क्या दिया भाई, मज़ा आ गया यार, नहीं तो भाई कुछ भी दिक्कत हो सकती थी। यहाँ पे देख ले तो और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह तो नहीं है, नहीं नहीं इधर तो नहीं दिख रहा। सो ऊपर चढ़ ले तो पहले, अरे ऊपर दो बंदों के पास, अरे रुक जा नीचे जा तू, पहले मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ से भी गार्ड वार्ड चेक करके आ रहे, रुक जा इनको आगे जाने दे, फिर मैं ऊपर जाके इनको पिस्टल से दोनों को हेड हेड उड़ा तो। ये ले भाई अभी बता दो पट से हेड शॉट, ये ले तू भी क्या। ओ भाई साहब ये भी कॉल करने वाला था भाई साहब, वो तो मैंने उससे पहले ही मार दिया। अब यहाँ से मेरे सीढ़ी, अच्छा वो रही सीढ़ी, और फटाफट से मुझे ऊपर रोको को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग सकता है भाई। सो यार अब गोली किसे भी तेज चलते हैं यार, क्या होता है। ओ भाई साहब अब नहीं छोड़ूंगा भाई मैं से रोको को, रुक जा आने दे लोगों को यार, रुक जा का ये रहा रोको। ओ भाई साहब रोको, अच्छा वहाँ से अभी आया नहीं तो मैं से बताता हूँ, माइकल इज हेयर। हाँ भाई अभी इस हेलीकॉप्टर को उड़ा मत दिया, उसका कैप्टन भी भाई यहीं पे खड़ा है। रोको भी आ चुका है, रोको कहता है भाई ये कौन है, ये बावला, ये गंजा कहाँ से आ गया ये। तो माइकल ने बताया कि यार तुमने उसका सैलमोन का कॉन्टैक्ट को मना किया था ना, तो तुम्हें वहाँ से मैं ले जाने आया हूँ। तो कहता भाई इसे पकड़ के मारो, तो माइकल कहता चला जा 1v1 करते हैं, जो जीता भाई फिर वही मानेगा, ठीक है। ओ भाई साहब क्या मार रहे, रोको रुक जा, तू मुझे मारना चाहता तो मार, ये ले मैं तुझे मारता हूँ, ये ले तू भाई माइकल से पंगा ले रहे, रोको ये ले तू पिटा, ये ले अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को, दरवाजे पे लेटा लेटा के मारूंगा, ये ले तेरा दांत भी उड़ गया, ये ले ओ भाई साहब इसका थोबड़ा भी सूच गया, ले मुझे घूसा मारने तो मार। ओ भाई साहब क्या गिराया इसने मुझे, अच्छा मुझे मारेगा, ले मार ले घूसा मार ले, चल आ जा मैं तुझे बता तू, ये ले भाई बिल्कुल भाई इसकी हालत भाई पतली हो चुकी है, मुंह से अभी भी सॉरी सॉरी बोल रहे, और ये दोनों भी डर गए भाई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये कहते चलो भाई अब मुझे इनके साथ जाना ही होगा। और जो रोको था भाई ये बहुत ही बड़ा गुंडा था, बट रोको कहता ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो यार कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भाई डर गए एकदम से, सोच रहे अभी यार जैसे ये मानेगा वैसे ही, और ये कहते कि हम अभी पुलिस को फ़ोन करके बता रहे हैं कि तुमने हमें किडनैप कर लिया है। बट माइकल ने बोला अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दूंगा। और फिर ये प्रोड्यूसर कहते कि यार ये तो इसके तो भाई अपनी जान की परवाह है नहीं यार, तो एक काम करते हैं इसकी बात मान लेते हैं। तो यार सबसे पहले यार इनको डरा देते, एक काम करते हो हेलीकॉप्टर को ना ब्रिज के नीचे से लेके जाता हूँ ताकि ये डर जाए और मान जाए कि मैं स्टूडियो चलूँगा। यार अभी तो ये कह रहे हो पुलिस को फ़ोन वोन करूँगा, मैं बता तो भी इन्हें, रुक जा। इन्होंने माइकल से पंगा लिया प्रोड्यूसर ने, अभी देख प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं बता रहा हूँ, फिर ये मुझे फिल्म दे देंगे बड़े प्यार से। सो यार फटाफट चलते, वो भाई साहब डर गए यार, चलाने लग रहे हैं कि यार बचाओ बचाओ बचाओ, अब तो मानोगे ना, अब चलेगा यार फटाफट से अपना स्टूडियो में, बता रहा हूँ मैं, नहीं तो यहीं पर प्लेन कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं भी मरूंगा। अब यार ये तो भाई टक से वापस आ गए भाई, ये शायद मैं ना मर जाऊँ भाई, डर लग रहा है, नहीं 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 टच हो गया। वो भाई साहब मुझे लगा गाइस कि मैं मरने वाला हूँ यार, एक काम करता हूँ मैं धीरे धीरे ले जा, तो कभी पता चले मैं ही मर जाऊँ, यहीं पे द एंड हो जाए। अब यार फटाफट से यार हम स्टूडियो चलते हैं, और ये हम स्टूडियो पहुँच चुके हैं, मुझे हेलीकॉप्टर लैंड कराना आता है नहीं। अरे भाई भाई ठुका 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 प्लान फट गया। ओ भाई साहब बच गया यार हेलीकॉप्टर, फटने वाला था। सो यार फटाफट प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई तुम दोनों जाओ सैलमोन के ऑफिस में,
देख सकते हैं गाइस फाइनली यार इनको मैंने वापस बुला लिया। पिक्चर मजे से शूट होने वाली है और जो पिक्चर का हीरो है यार उससे भी मिलने जाने, वो तो हम अगले पार्ट में मिलने जाएंगे गाइस, देख सकते हैं। और यहाँ पे सोलमोन ने अपनी गाड़ी भी यहाँ पे अपने नौकर को बोल के खड़ी करवा दी थी और अब फटाफट यार अपनी जी वैगन को लेके चलते हैं भाई अपने घर। ओ भाई साहब आज तो भाई मजा आ गया। तो भाई मुझे लगता है कि सोलमोन भाई मुझे इस पिक्चर में भाई पार्ट दे ही देगा यार, तो देखते हैं भाई क्या होते हैं बाकी आगे। सो यार मैंने फिर से ये दरवाजा तोड़ दिया भाई, हद है यार, इनकी सिक्योरिटी गार्ड सोलमोन को बोलना पड़ेगा भाई, ये क्या सीन चल रहा है यार। सो फटाफट से मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ भाई, देख सकते हैं नया वाला मेंशन। और गाइस नया वाला मेंशन अच्छा है पुराने वाला फटाफट कमेंट पे बता दो। और देख सकते हैं भाई साहब जी वैगन की कैसी हालत है भाई, यार ये मोटा फिर आ गया भाई, कभी देखो उसका भाई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। ये ले अब मत आ जाइयो, बता रहा हूँ मैं तुझे बहुत मारूंगा, ये देखे देख कह रहा है भाई सॉरी अब नहीं आऊंगा। यार पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते, पहले एक सुकड़ा से पता नहीं बंदा आ गया था नूबड़ा सा, बट कोई बात नहीं। चलो यार अब हम फटाफट से अपने वहाँ पे चलते हैं पूल के पास और इस वीडियो को या यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में भाई बहुत मजा है और पार्ट टू भी हम इसके बाद लाने वाले हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना और कमेंट में पार्ट टू स्पैम कर देना जिसमें हम म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलने वाले हैं और उसके घर पर अटैक करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन।